नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासी घमासान जारी है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ईडी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी पार्टी ने ईडी के खिलाफ हल्ला बोला। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान काफी ड्रामा देखने को मिला। अनिल चौधरी और दिल्ली पुलिस के बीच हिरासत को लेकर लंबी झड़प हुई। दिल्ली पुलिस और अनिल चौधरी के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दिल्ली पुलिस की टीम कांग्रेस नेता अनिल चौधरी को हिरासत में ले रही है। इस दौरान अनिल चौधरी पुलिस के एक्शन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। विरोध के दौरान पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो पुलिस को अपने आप को गोली मारो कह रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया था।